हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हेयर को कैसे ब्लाइंड वो कैसे स्ट्रोक्स मारने हैं, जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर हाईलाइट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि हेयर्स की डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ स्ट्रोक्स बनाने हैं, उसी तरह हुआ है। तो आपको बताऊँगा कि इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, जिस तरफ हेयर है उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम सिर्फ हेयर्स की डायरेक्शन की तरफ उसको ड्रॉ करते हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। जब भी आप हेयर की डायरेक्शन से ड्रॉ करेंगे तो ये जो चीज़ है वो मुझे शार्प होनी चाहिए, मतलब रैंडमली बनाना चाहिए रैंडमली, तो फिर वो रियल लुक बाहर आएगी। सबसे पहले आपको लाइट से स्टार्ट करना है, उसके बाद डार्क से स्टार्ट करना है, डार्क के बाद और डार्क करना है, उसके बाद जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ हाईलाइट करना है। मैं पहले आउटलाइंस के लिए मैं आपको थोड़ा बनाकर दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे कि रेफरेंस पिक में ऐसा है, भी हल्का हल्का मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। देखो जिस तरफ से मैं डायरेक्शन जा रही है मैं वहीं पर रैंडमली से लाइन खींच रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, कोई काली नहीं है, जल्दी नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल आराम से, यहाँ पे ज्यादा लाइट है वहां लाइट कर रहा हूँ। अभी देखिए बिल्कुल लाइट हिस्सा है, बिल्कुल डार्क नहीं किया। अब मैं डार्क के लिए सीएसबी का पेंसिल यूज करूंगा। तो आप ऐसे आप अपनी पेंसिल ऐसे शॉर्प कर सकते हैं, जैसे कि ये रियल लुक आती है, ये पेंसिल ऐसे कर सकते हैं आप। मैंने इसको ब्लेड से लाइट किया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हैंड की मूवमेंट अच्छी होती है। अब देखिए जहां पर अभी डार्क है वहां पर मैं डार्क करूंगा। अब जब भी आप अगली से नेक्स्ट लेयर जा रहे हैं तो पहले फर्स्ट लेयर को बिल्कुल अच्छे से ब्लाइंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं काफी हद तक हो गया है। अब जहां पर हाईलाइट है मैं वहां पर हाईलाइट करूंगा। हाईलाइट के लिए मैं ये रेजर यूज करूंगा, मैंने कटिंग करके रख ली थी साइड से। तो जहां पर हल्का हल्का जहां दिख रहा है मेरे को कि स्ट्रोक्स होने चाहिए वहां पर। जहाँ पे स्ट्रोक्स थे मैंने दे दिए हैं, काफ़ी ठीक लग रहा है। बिल्कुल लेयर बाय लेयर कर रहा हूं मैं।
आपकी पेंसिल जैसे कि मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि स्किन आप नॉट बिल्कुल शार्प होती है। अगर आप इसको आराम से बिल्कुल रैंडमली रैंडमली ड्रॉ करना, बिल्कुल बिल्कुल रैंडमली। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी रियल लुक आ गया है। डार्क करिए, अगर पेंसिल 4B, HB, 6B, 8B का ऐसी पेंसिल का यूज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया होगा। थोड़ा सा और इसको रियल लुक में इसको और डार्क करूंगा। अच्छी रियल लुक आ रही है। शायद आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हेयर्स को ड्रॉ करना है लेयर बाय लेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल हुई है, अगर आपको ये हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।